नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस परिवार की कहानी है जिसमें परिवार के कुछ सदस्य दूसरे सदस्यों के खिलाफ हो जाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से अपने ही परिवार के चार लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। जिन लड़कियों का कत्ल होता है उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके खिलाफ उन्हीं के परिवार के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है सन 2007 की। दुबई से एक परिवार कनाडा शिफ्ट होता है। परिवार के मुखिया का नाम था मोहम्मद शाफिया, जिसका परिवार शाफिया परिवार के नाम से जाना जाता था। शाफिया परिवार मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला था, जो सन 1992 में दुबई आके बस जाता है। सन 1992 से सन 2007 तक परिवार का मुखिया मोहम्मद गाड़ियों के बिजनेस में और रियल एस्टेट बिजनेस में, यानी प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छे पैसे कमाता है। जब शाफिया परिवार के पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सन 2007 में पूरा परिवार कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में शिफ्ट हो जाता है। परिवार में कुल 9 लोग थे, जिसमें परिवार का मुखिया मोहम्मद, उसकी 2 बीवियां और 7 बच्चे। पहली बीवी से कोई बच्चा ना होने की वजह से परिवार के मुखिया मोहम्मद ने 2 शादियां की थी। मोहम्मद साल 2007 में अपनी दूसरी बीवी, जिसका नाम टूबा था, और 7 बच्चों के साथ कनाडा आ जाता है और कुछ ही समय बाद अपनी पहली पत्नी, जिसका नाम रूना था, उसको भी कनाडा बुला लेता है, ये कह के कि वो उसकी साली है। पहली पत्नी रूना की हैसियत परिवार में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी, पर क्योंकि रूना के पास कोई और सहारा नहीं था तो उसके पास इस परिवार के साथ रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगर बच्चों की बात करें तो मोहम्मद के 7 बच्चों में 4 लड़की और 3 लड़के थे। इस पूरी कहानी में मोहम्मद की सबसे बड़ी बेटी जैनब, उससे छोटा भाई हामिद और छोटी बहन सहर का सबसे ज्यादा जिक्र आएगा। जैसा कि मैंने बताया, सन 2007 में पूरा परिवार कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में आके बस जाता है और कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा स्टोर और एक गाड़ी खरीद लेता है। दुबई से कमाए हुए पैसे की वजह से मोहम्मद को कनाडा में अपना काम और घर जमाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से परिवार जल्दी ही कनाडा में बस जाता है। तकलीफ तब शुरू होती है जब शाफिया परिवार अपनी सबसे बड़ी बेटी जैनब का स्कूल में दाखिला कराते हैं, यानी एडमिशन। उस वक्त जैनब की उम्र करीब 17 से 18 साल की रही होगी। सबसे बड़ी बेटी जैनब को कनाडा का यह नया स्कूल और नया माहौल बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ बहुत खुलापन था। जैनब के ही स्कूल में एक लड़का पढ़ा करता था, जिसका नाम था अमर वहीन। स्कूल के शुरुआती दिनों में उन दोनों की नजर मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को कुछ अलग लगते हैं। नजरों ही नजरों में उन दोनों की बात कुछ दिनों तक चलती है और एक दिन लड़का, यानी अमर, हिम्मत करके जैनब को एक प्रेम पत्र दे देता है। लड़का अमर उस चिट्ठी में लिखता है कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो अगले दिन सफेद रंग की ड्रेस पहन के आना, क्योंकि अगले दिन वैलेंटाइन डे था। जैनब अगले दिन सफेद ड्रेस पहन के आती है और दोनों अपनी पसंद एक दूसरे को जाहिर कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों की बात और मिलना जुलना शुरू हो जाता है। दोनों फिर भी खुलकर स्कूल में या बाहर नहीं मिलते थे और दोनों ज्यादातर ऑनलाइन ईमेल पर ही बात किया करते थे। उन दोनों का रिश्ता चोरी छुपे चल रहा था, क्योंकि जैनब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को इस रिश्ते के बारे में जरा भी पता चले। जैनब ने अपने बॉयफ्रेंड आमिर को अपने भाई हामिद से पहले ही सतर्क रहने को बोल रखा था, क्योंकि अगर उसके भाई हामिद को इस बात का मालूम पड़ता तो वो तुरंत ही अपने माँ बाप को बता देता। जैनब और अमर का रिश्ता अच्छा चल रहा था, पर जैनब के माता पिता दुबई गए हुए थे, तब जैनब अमर को अपने घर बुला लेती है। अभी बॉयफ्रेंड आमिर को आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि जैनब का भाई हामिद घर आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। हामिद बॉयफ्रेंड अमर को देख के बिफड़ जाता है और उसे लड़ झगड़ कर अपने घर से भगा देता है और उसी शाम अपने माँ बाप को जैनब और उसके बॉयफ्रेंड अमर के रिश्ते के बारे में बता देता है। सच्चाई पता पड़ने पर जैनब के माता पिता उसका स्कूल जाना बंद करा देते हैं और उसे घर में ही कैद कर देते हैं। जैनब भी इसका विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पिता मोहम्मद बहुत गुस्सैल व्यक्ति था और उसे उनसे बहुत डर लगता था। अब जहां एक तरफ जैनब घर में बंद थी तो दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन सहर का भी किसी के साथ अफेयर हो जाता है। सहर और उसका बॉयफ्रेंड भी चुपचाप मिलते हैं, जैसे उसकी बड़ी बहन अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी, और चुपचाप उनका रिश्ता चल रहा था। पर एक दिन सहर को भी उसकी माँ टूबा स्कूल में उस लड़के के साथ देख लेती है। सहर की इस बात को लेकर उसे बहुत डांट पड़ती है और शायद मार भी, और घर में सब उससे बात करना बंद कर देते हैं। हालांकि सहर की माँ टूबा उसका स्कूल जाना बंद नहीं कराती हैं, पर वे शहर को परिवार में एकदम अलग थलग कर देती हैं। शहर अब अपने बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिल पाती थी और परिवार ने भी उसे अलग थलग छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन की वजह से शहर का वजन कम होने लगता है और घर के माहौल से वो इतना दुखी हो जाती है कि एक दिन वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। किस्मत से शहर को बचा तो लिया जाता है, पर परिवार ने अब भी उसे अलग थलग ही छोड़ रखा था। शहर के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर शहर की स्कूल की टीचर बाल संरक्षण विभाग को सूचना दे देती है। जानकारी मिलने पे बाल संरक्षण विभाग के लोग शहर के घर पहुंच जाते हैं।
वह बच्चों की माँ तूबा से सहर के साथ किए गए वर्ताव के बारे में सवाल जवाब करते हैं। वह पूछते हैं कि घर में सबने सहर से बात करना क्यों बंद कर रखा है, और ये भी कंफर्म करते हैं कि क्या सहर ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सहर की माँ तूबा हर चीज के लिए सफेद झूठ बोल देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि सहर हिजाब पहनने से दुखी है और इस वजह से वो थोड़ी परेशान चल रही है। तूबा के इस झूठ में उसका बेटा हामिद साथ देता है, डर के मारे जैनब साथ देती है और बाकी के भाई बहन भी। सहर क्योंकि अब 18 साल की होने वाली थी तो बाल संरक्षण विभाग के लोग इस केस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और केस बंद कर देते हैं। अब घर के हालात कुछ ऐसे थे कि इधर जैनब घर में बंद थी और सहर स्कूल तो जाती थी पर बहुत उदास और दुखी रहती थी। इधर उनकी सबसे छोटी बहन गीती भी ज्यादा खुश नहीं रहती थी क्योंकि उसे हिजाब पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा उसको अपने माँ बाप की सख्ती भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। गीती एक मॉडर्न और फैशनेबल विचारधारा वाली लड़की थी। गीती एक बार फैशन का सामान चुराने की वजह से एक मॉल यानी दुकान में पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पे वो साफ कहती है कि मुझे मेरे घर में नहीं रहना, मुझे बाल घर भेज दो पर मुझे मेरे घर मत भेजो क्योंकि वहाँ बहुत सख्ती है। तो कुल मिला के परिवार में माँ बाप और भाई ने तीनों बहन की आजादी छीन रखी थी और अब तीनों बहनों का रोक टोक से परेशान होकर घर में दम घुटने लगा था। ये सब होते होते जैनब का 19वां बर्थडे आ जाता है और घर वाले उसको दूसरी बार स्कूल जाने की इजाजत दे देते हैं। जैनब दोबारा से स्कूल जाने लगती है और उसका अमर से दोबारा संपर्क हो जाता है। इधर घर का माहौल एक बार फिर खराब हो जाता है क्योंकि एक दिन बड़ा भाई हामिद सभी छोटे भाई बहनों की पिटाई लगा देता है क्योंकि वो शाम को देर से घर आए थे। भाई बहनों को पिटता देख जैनब को लगता है कि इस घर में रुकना अब अपनी जिंदगी खराब करने वाली बात है क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी थी और घर छोड़ सकती थी। इसी के चलते जैनब बड़ा फैसला ले लेती है और अपने बॉयफ्रेंड अमर के साथ भाग जाती है। जैनब के घर वाले जैनब के बॉयफ्रेंड अमर पे किडनैपिंग का आरोप लगाते हैं, पर जब पुलिस जैनब को फोन करती है तो जैनब पुलिस को बता देती है कि वो अपनी मर्जी से आई है, जिसकी वजह से इस किडनैपिंग की बात वहीं खत्म हो जाती है। जैनब के घर छोड़ने के बाद माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं और जैनब की माँ तूबा जैनब को फोन करके बोलती है कि हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तुम कृपया करके घर वापस आ जाओ। जैनब की माँ तूबा उससे घर आने की मिन्नतें करती हैं और उसे वादा करती है कि अगर वो घर आ जाए तो वो उसकी शादी अमर से पूरे रस्मों रिवाज से करवा देंगी। जैनब वापस अपने घर जाना तो नहीं चाहती थी, पर जब उसका बॉयफ्रेंड अमर बोलता है कि अगर परिवार राजी हो रहा है तो हर्ज ही क्या है, अमर की बात मानकर जैनब वापस अपने घर चली आती है। जैनब के घर आने के बाद जैनब की माँ रोना अपने किए गए वादे के अनुसार जैनब और अमर की शादी करा देती हैं, जबकि उसके पिता उस वक्त दुबई में थे। 18th में 2009 को जैनब और अमर की शादी हो जाती है। अमर काफी खुश था कि अंततः शादी हो ही गई, पर शादी के ठीक 24 घंटे बाद ही जैनब अमर के पास जाती है और उससे डिवोर्स यानी तलाक मांगती है। अमर एकदम से चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि जैनब को अचानक क्या हो गया है। जैनब अमर को कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ पर मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। ये बात आज भी एक पहेली ही है कि जैनब के परिवार ने ऐसा क्या कहा या ऐसा क्या करा कि वो तलाक के लिए तैयार या मजबूर हो गई। कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद उसकी पत्नी तूबा और उसके बेटे हामिद ने जैनब को शादी के बहाने घर बुलाया था ताकि वो उस पर दबाव बना सके और वो उसको अमर से हमेशा के लिए अलग कर सके। बहरहाल शादी होती है और फिर तलाक भी। जैनब का रिश्ता अमर के साथ खत्म हो चुका था और जैनब अब अपने परिवार के साथ थी और सभी लोग हतप्रभ थे यानी कि शॉक थे कि शादी तोड़नी ही थी तो फिर शादी करी क्यों। एक तरफ जैनब की जिंदगी में उथल पुथल थी तो दूसरी तरफ सहर चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में रहती है ये सोच के कि किसी को पता नहीं है। पर जैनब का बड़ा भाई हामिद उस पे नजर रखता था और उसे अच्छे से पता था कि उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड का रिश्ता चल रहा है। यहाँ तक कि उसने सहर और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीरें सहर के मोबाइल से चुरा ली थी। 1 जून 2009 को हामिद भी अपने पिता के पास दुबई चला जाता है। दुबई जाके वो अपने पिता को सहर और उसके बॉयफ्रेंड की पिक्चर दिखाता है, जिससे उसके पिता मोहम्मद का खून खौल जाता है। पिता मोहम्मद बड़ी बेटी जैनब से तो पहले से ही खफा था और अब सहर के भी खिलाफ हो जाता है और छोटी बेटी गीत के बारे में भी पता चलने पर वो ज्यादा खुश नहीं था। यहीं पर दुबई में मोहम्मद और हामिद ये फैसला ले लेते हैं कि इन तीनों बहनों को जीने का कोई हक नहीं है। दोनों तय करते हैं कि तीनों बेटियों और पहली पत्नी को ऐसे मारेंगे कि सबको लगेगा एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने पहली पत्नी रूना को मारने का क्यों तय किया इसका कभी भी कोई कारण सामने नहीं आ पाया, पर शायद या तो चिढ़ से या वो उनको उनके परिवार पे बोझ लगने लगी थी। 13 जून को
बाप बेटे मोहम्मद और हामिद दुबई से कनाडा लौट आते हैं। जिस दिन जैनब के पिता लौटते हैं तो वह डरी हुई थी कि पिता से वो कैसे माफी मांगेगी। हिम्मत करके वो पिता को लेने एयरपोर्ट पे जाती है और एयरपोर्ट पे ही अपने पिता से माफी मांग लेती है। इस बार जैनब का डर गलत साबित होता है क्योंकि उसके पिता का व्यवहार दुबई से लौटने के बाद से पूरा बदल चुका था। पहले से उनका स्वभाव बहुत मधुर हो चुका था और उन्होंने जैनब को बहुत आसानी से माफ भी कर दिया था और सभी बच्चों से प्यार से बात करने लगे थे। परिवार के सभी सदस्य मोहम्मद के इस बदले व्यवहार को देख के बहुत खुश थे, पर जैनब को और बाकी परिवार को पता नहीं था कि बदले हुए व्यवहार के पीछे प्यार नहीं एक साजिश थी जिसको अगले कुछ दिनों में मोहम्मद अंजाम देने वाला था। घर में आई इस बदलाव की खुशी में मोहम्मद सब बच्चों को 4 दिन के लिए घुमाने का प्रोग्राम बनाता है। ये उनकी साजिश का पहला कदम था। इधर मोहम्मद बच्चों को घुमाने के लिए तैयार करता है और एक नई गाड़ी भी खरीदता है जिससे वो योजना को अंजाम दे सके। उधर उसका बेटा हामिद घंटों इंटरनेट पर बैठ के कनाडा की सभी नदियों के बारे में जानकारी जुटाता है ताकि अपनी योजना को अंजाम दे सके। खैर, यहाँ बच्चे बहुत उत्सुक थे क्योंकि नायग्रा फॉल्स विश्व का सबसे बड़ा झरना है और सभी लोग नायग्रा फॉल्स पहली बार जा रहे थे। सभी यात्रा पे जाने के लिए तैयारी करते हैं और 23 जून 2009 को पूरा परिवार दोनों गाड़ियों में अपने सफर पे निकल जाता है। रास्ते में पूरा परिवार टूबा के भाई के घर भी रुकता है और फिर टूबा के भाई से मिलने के बाद वो लोग 23 जून को निकल जाते हैं। बीच के शहरों में रुकते रुकाते 2 दिन बाद यानी 25 जून की सुबह सुबह वो सब लोग नायग्रा फॉल्स पहुंच जाते हैं। 25 जून की सुबह सब लोग होटल में रुकते हैं और आराम करते हैं और आराम करने के बाद सब इकट्ठे होकर नायग्रा फॉल्स देखने जाते हैं। पूरा परिवार 3 दिन यानी 28 जून तक वही मौज मस्ती करता है और 29 जून 2009 की शाम को पूरा परिवार होटल छोड़ देता है यानी कि चेकआउट कर लेता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। 29 जून की रात को तकरीबन 8 बजे वो लोग रास्ते में हाईवे पे होते हैं। जिस गाड़ी में जैनब, सहर, गीत और पहली पत्नी रोना बैठे थे उसको मोहम्मद चला रहा था। दूसरी गाड़ी में हामिद अपनी माँ और बाकी भाई बहनों के साथ था। 29 जून को देर रात मोहम्मद गाड़ी को रास्ते में एक किंगस्टन नामक शहर के पार्किंग में खड़ी कर देता है। वो जैनब को बोलता है कि हम लोग शहर में कुछ होटल देख के आ रहे हैं, तब तक तुम लोग यहीं इंतजार करो और मैं हामिद के साथ होटल देख के आता हूं। और फिर मोहम्मद बेटे हामिद और उसके 3 छोटे भाई बहनों को लेके एक होटल में जाता है और कमरा लेके उन सबको वहीं सुला देता है। और कुछ ही देर में वो फिर से पार्किंग में लौटता है जहां दोनों पत्नियां और 3 बेटियां गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। वो हामिद वाली गाड़ी से उतरता है और अपनी दूसरी पत्नी टूबा को जैनब की कार से उतर के हामिद के साथ बैठने के लिए बोलता है। टूबा के गाड़ी से उतरने के बाद अब इस गाड़ी में सिर्फ जैनब, सहर, गीत और उसकी पहली पत्नी रूना ही बचे थे। कुछ ही देर में वो उन चारों को बेहोश कर देता है और उस गाड़ी को बगल वाली किंगस्टन नदी में धकेल देते हैं। उन चारों महिलाओं को उन लोगों ने किस तरह बेहोश किया ये जानकारी कभी पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकी। कभी ये कहा गया कि उनके सर पे वार करके चारों को बेहोश किया गया था और कभी ये कहा गया कि उनको कुछ खिला के बेहोश किया गया था, पर कुल मिला के चारों लोगों को बेहोश करके उस गाड़ी में डाल के गाड़ी को धक्का देके नदी में डुबो दिया गया था। जैनब की गाड़ी को पानी में धक्का देने के बाद मोहम्मद, हामिद और उसकी बीवी टूबा तीनों वापस जाके होटल में बच्चों के पास सो जाते हैं। अगली सुबह पुलिस को जैनब, सहर, गीत और रूना की लाश नदी में डूबी कार में मिलती है। पुलिस पता लगाना चालू कर देती है कि ये लाशें किनकी हैं। इससे पहले कि पुलिस पता लगा पाती, मोहम्मद खुद ही थाने में जाके बेटियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट करा देता है। मोहम्मद की सूचना पे पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि वो महिलाएं शाफिया परिवार से ही हैं। मोहम्मद, उसकी पत्नी और उसका बेटा हामिद पुलिस के सामने रोने धोने का नाटक करते हैं और पुलिस को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। पुलिस देर रात तक परिवार से पूछताछ करती है क्योंकि पुलिस को पूरा शक हो चुका था कि कहीं ना कहीं माँ बाप और भाई का इस हत्याकांड में हाथ है, पर बिना किसी सबूत के वो उन तीनों को रोक नहीं सकते थे इसलिए वे उन्हें जाने देते हैं। मोहम्मद, हामिद और टूबा बाकी के बच्चों को लेकर अपने घर चले जाते हैं और पुलिस लाशों का पोस्टमार्टम करा के तफ्तीश चालू करा देती है। कुछ ही दिनों की मेहनत से पुलिस पूरी तहकीकात कर लेती है और सबूत इकट्ठे कर लेती है, जैसे मोहम्मद के कंप्यूटर पे नदियां ढूंढने की हिस्ट्री, दूसरा गाड़ी को टक्कर से पानी में डुबोने के लिए गाड़ी की टूटी हुई लाइट, मोहम्मद और उसके परिवार की टेलीफोन पे रिकॉर्ड की गई बातें और इसके अलावा काफी सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं जिसके चलते पुलिस मोहम्मद, उसकी पत्नी टूबा और बेटे हामिद को गिरफ्तार कर लेती है और बचे हुए बच्चों को एक बाल संस्था को सौंप दिया जाता है। तीनों को कोर्ट से 25 साल की सजा मिलती है और तब से वे सब लोग जेल में ही हैं। गिरफ्तारी के वक्त मोहम्मद और टूबा जरा भी पश्चाताप में नहीं थे और उनका यही मानना था कि उन्होंने जो भी किया अपने परिवार की इज्जत के लिए किया। पर दुख की बात यह है कि अगर बाल संस्थाएं और पुलिस शहर की आत्महत्या की कोशिश के वक्त अगर बच्चों से अच्छे से बात करती तो शायद ये 4 जाने बच सकती थी। अब शायद यही कहा जा सकता है कि उन चारों की किस्मत अच्छी नहीं थी। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।